हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम सॉल्यूशन देखने वाले क्लास नाइन्थ का विषय हमारा गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 33 है और ये 24 सितंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम त्रिभुज की कसौटी है, जो कि त्रिभुज की सर्वागसमता की कसौटी को हम समझेंगे, जो कि बेहद ही आसान है, ठीक है। और एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज यानी साइड एंगल साइड से कैसे वो सर्वागसम है और साइड से कैसे सर्वागसम है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। और साथ साथ में जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें हमारा जो दिया हुआ है, जो एंगल साइड एंगल से भी हमने समझ चुके हैं, जो ये इससे पहले वाले वर्कशीट में भी, ठीक है। तो चलिए हम इसमें जो है गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, इस सभी का एक एक करके हम जो है ना क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। और इसे आप आसानी से इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, और बहुत ही आसान है ये इसे, ठीक है। सर्वागसमता RHS राइट हैंड साइड यानी RHS, ठीक है, इसको जो है ना कैसे सर्वागसम है ये आराम से इसे अच्छे से लिख लीजिए, और बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहला ये हो जाएगा, इसे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना ये नेक्स्ट है, ठीक है, इसे और इस त्रिभुज को भी आपको साफ साफ क्लियर लिख करके जो है ना बाकी इसमें जो पूछे हुए प्रश्न है इसको सॉल्व कर देते। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए त्रिभुज ABD समरूपता है किसका, ट्रेंगल ACD का, ठीक है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं प्यारे स्टूडेंट। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमें दिखाना क्या है, यहाँ पे सो डैट को आप लिख सकते हैं, सो डैट या फिर दिखाना है, सिद्ध करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिद्ध करें, ठीक है, सिद्ध करना है इसे, ठीक है। तो सिद्ध करें आप ये भी से लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दिया हुआ क्या, AB = BC यानी AB = AC है दिया हुआ, BD = CD यानी ये हम दो त्रिभुज बना लिए ऐसे, ठीक है, ये हमारा समरूपता का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ये O है, ठीक है, ये क्या है, O है, ठीक है। अब ए वो O से जो है ना दिखाना क्या है हमें, ABD समरूपता है त्रिभुज ACD का, ABD ACD का यानी AC और D का जो है ना है, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से समझना, ये D है आपका, ठीक है, क्या है ये, D है, ठीक है, ये सेंटर यहाँ पे O है लेकिन ये आपका D है। तो आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये आपका D है, ठीक है। तो ACD, तो AB = AC यानी AB = AC ये गिवन हो जाएगा, यानी इसके इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। BD = CD यानी B और D, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं ये BD = DC, ठीक है, या CD आप लिख सकते हैं। और AD = AD यानी AD जो हो जाएगा ना डियर स्टूडेंट, A और D = AD, ठीक है। तो ये सामान्य हो जाएगा जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूपता है त्रिभुज ACD के, ये साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से यानी समद्विभाजित त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है ये, कैसा है, कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो ये साइड यानी कौन से ये क्या है, समरूपता है या सर्वागसमता, यानी इसको कह सकते हैं हम समरूपता है, ये क्या है, समरूपता है या फिर सर्वागसमता इसको कह सकते हैं, ठीक है, साइड से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम डियर स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, त्रिभुज AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB = AC है, तो दर्शाइए AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान सा है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हमारा जो है ना, देखिए ये त्रिभुज है, ये पूरा सोल्यूशन है, कम्प्लीट है, दिया हुआ है AB = AC यानी AB = क्या हो गया, AC दिया हुआ है, और 200 AD बाइसेक्ट कर रहा है BC पर, AD जो है क्या करता है, बाइसेक्ट BC को कर रहा है, BD = CD, तो त्रिभुज BAD एंड त्रिभुज CAD, तो त्रिभुज ADB पैरेलल किसके है, ABC के, इच ट्रायंगल कितना है, 90 डिग्री, AB = AC ये दिया हुआ है, AD = AD कॉमन है यानी ये सर्वागसमता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट त्रिभुज BAD, यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज BAD क्या है, सर्वागसमता यानी त्रिभुज यहाँ पे बी
और ये ए और ये डी, यानी ये वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाले त्रिभुज जो है ना, ठीक है, क्या है, त्रिभुज सी ए डी का, यानी ये त्रिभुज आपका जो है ना यहाँ, ये त्रिभुज ये क्या है, ये इस त्रिभुज का जो है ना ये समान है, ठीक है। तो ये क्या है, RHS यानी राइट हैंड साइड, यानी सर्वागसमता से, ये कॉन्ग्रुएंसी की जगह आप सर्वागसमता नियम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से हम कह सकते हैं BD इक्वल टू CD, यानी ये जो BD है हमारा डियर स्टूडेंट, ये BD और ये CD हो जाएगा, ये दोनों इक्वल, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, अतः AB बाई काटता किसका है, BC को। AB किसको काट रहा है, BC को। तो ये आपका जो है ना यहाँ पे बाइसेक्ट यहाँ पे कट कर दिया, AB काटता है BC पर, तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह जो है ना डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।